देखेंगे हमारा एक नया चैप्टर फाड़ का नाम है। मैंने सेंड किया ना आपके लिए रीडिंग करने के लिए, वो रीड करने के लिए। क्या है वो फाड़ का नाम? दुख का दिगार। दुख का अधिकार। दुख का अधिकार यशपाल द्वारा लिखित एक सुंदर चैप्टर, दुख का अधिकार। ओके, आपके पास वो टेक्स्ट बुक है तो यशपाल के बारे में सबसे पहले देखना चाहिए, रीड करना चाहिए। प्लीज टेक पेज नंबर 13 इन माई बुक। आपके बुक में यशपाल के बारे में फ्रंट पेज ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का वो फ्रंट पेज। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो या पीडीएफ है तो उसमें देखना चाहिए। ओके, यशपाल 1903 से 1976 में उनका जीवन का, तो उनका जन्म 1903 में, राइट? देखिए, यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। तो उनका जन्म वर्ष कब हुआ? उनका जन्म फिरोजपुर में 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। उनका प्राइमरी एजुकेशन, आरंभिक शिक्षा, इन्होंने आरंभिक शिक्षा या प्राइमरी एजुकेशन स्थानीय स्कूल मीन्स उनका वो लोकल स्कूल, उनके घर के पास का स्कूल, और हायर एजुकेशन लाहौर, उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों, क्रांतिकारी गतिविधियों माने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, नहीं नोट करना चाहिए, छोड़ दीजिए, सिंपली रीड कीजिए। गतिविधियों में जुट गए थे अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, अंडरलाइन कर दूं बच्चों, अंडरलाइन कीजिए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, क्रांतिकारी गतिविधियों, सॉरी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, अंडरलाइन कीजिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन मीन्स इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया। भाग लिया माने वो, भाग लिया माने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, एक और बार देखिए। तो पहला पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन, उनका जन्म, जन्म प्लेस, देन ईयर, देन आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में, और उनका उच्च शिक्षा लाहौर में पाई उन्होंने, देन वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। तो क्या क्या हमने देखा? यशपाल का जन्म फिरोजपुर में 1903 में, उनका शिक्षा एजुकेशन स्थानीय स्कूल में और हायर एजुकेशन लाहौर में पाई, देन उनका, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। हम उनके सेकेंड पैराग्राफ देखें। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं, यशपाल की प्रमुख या इंपॉर्टेंट वर्क, कृतियां, रचनाएं हैं, देशद्रोही, पार्टी कमरेड, दादा कमरेड, झूठा सच, तथा तेरी मेरी उसकी बात। इन 2 और 3 आपके मन में दिखे, सिंपल 2 और 3 अंडरलाइन करो। देशद्रोही, हाथी कमरेड या दादा कमरेड, झूठा सच, वेरी इंपॉर्टेंट है, झूठा सच एंड ऑल वेरी फेमस, देन तेरी मेरी उसकी बात। ये सभी उपन्यास है, ब्रैकेट में लिखा ना, ये सभी उपन्यास है, उपन्यास मीन्स नॉवल, नॉवल, ये सभी नॉवल्स है। देन ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, इसमें भी 1 और 2 आपके मन में रखी, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी कहानी कलेक्शन है, स्टोरी कलेक्शन, सभी कहानी संग्रह, स्टोरी कलेक्शन। देन लास्ट वन, सिंहावलोकन, उनका ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथन, सिंहावलोकन। तो यशपाल के प्रमुख कृतियों में 2 उपन्यास नॉवेल्स आपके मन में रखिए,
और दो कहानियां, देन उनका आत्मकथा का नाम क्या है? आत्मकथा का नाम सिंहावलोकन क्या है बच्चों? रेस्पॉन्ड सिंहावलोकन। देन आई एम मूविंग टू थर्ड पैराग्राफ। मेरी तेरी उसकी बरशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अंडरलाइन करो, तेरी मेरी उसकी भार, वो नॉवल के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार अवार्ड मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। देन उतना इनफ, आई एम मूविंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में वन लाइन इनफ, मूविंग टू नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ। यशपाल ये मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने की एक ही रास्ता है सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। बच्चों वो अंडरलाइन करना चाहिए, सामाजिक समानता, अंडरलाइन करो सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी। फोर्थ पैराग्राफ राइट साइड, सामाजिक समानता सोशल इक्वालिटी के साथ साथ आर्थिक समानता। आर्थिक समानता मीन इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक सांपत्तिक, इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो उनकी स्पेशलिटी है समाज को उन्नत या समाज को हाई रेंज में पहुंचने के लिए हमारे हम सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी नेसेसरी, आवश्यकता। देन यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है, वो भी नोट करो, उर्दू अंग्रेजी, हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी का प्रयोग भी उन्होंने अपने रचनाओं में किया है। हिंदी के अलावा क्या है? हिंदी के अलावा, अलावा माने हिंदी के अलावा, हम मलयालम या हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों वर्ड्स का प्रयोग उन्होंने अपने रचनाओं में किया है। तो उनका वो स्टोरी है तो, नॉवल है तो, कहानी है तो, क्या है कविता है तो, उसमें केवल हिंदी ही नहीं उर्दू अंग्रेजी इंग्लिश का प्रयोग भी। ओके, अंग्रेजी माने क्या है बच्चों? अंग्रेजी माने इंग्लिश ना। हम इसके लास्ट पर, ये चैप्टर अबाउट व्हाट, चैप्टर के बारे में, प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वास, अंडरलाइन करो, फर्स्ट फुल लाइन अंडरलाइन कीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, सिल रूप से होती है, सेकंड लाइन, प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए ये बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। तो सिंपली रीड कीजिए ना, अंडरलाइन भी करो, क्या है ना, हमारा इस कहानी में यशपाल द्वारा लिखित ये दुख का अधिकार कहानी में वो क्या कहता है, वो क्या कहता है ना, हमारे हम क्या है ऊंच ऊंच और नीच, या हमारे हम क्या है निम्न जाति का लोग है, उनके पास पैसा है नहीं है, निम्न जाति के लोग उनके पास पैसा है नहीं, देन ऊंची ऊंची क्या है ऊंची स्थान पर रहकर काम करने वाले लोग हैं उनके पास वो रिच है, उनके पास पैसे होगा, लेकिन दोनों को, दोनों का दुख समान है, राइट ना, दोनों के मन में कोई दुख है तो वो समान है, राइट, कोई उनका कोई क्या है कोई पिता कोई बेटा कोई माता मर गया तो वो दुख सेम है, राइट, सेम है, तो है दुख का अधिकार, दोनों को सेम अधिकार होना चाहिए, ऊंच है तो निम्न है तो, हायर क्लास है तो लोअर क्लास है तो, दुख का अधिकार सेम होना चाहिए। ओके, दुख क्या है वो फील करने का वो अधिकार, अनुभूति का अनुभूति वो सेम होना चाहिए। तो हमारे हम इस कहानी में, हमारे कंट्री में, देश में पहले अंधविश्वास, क्या है अंधविश्वास, अंधविश्वास माने superstitions, इसके बारे में, या कोई बहुत सारे आचार विश्वास, ओके, ये दूर करने के लिए कवि ने, लेखक के चैप्टर में कहता है,
हमारे चैप्टर की ओर देखिए बच्चों, दुख का अधिकार, दुख का अधिकार, दुख का अधिकार, मैंने कहा दुख का अधिकार, दुख माने सैड राइट, शॉन दुख माने क्या है बेटा, दुख माने सैड, सैड, व्हाट अबाउट अधिकार, अधिकार शॉन अधिकार माने राइट ना, हक राइट, तो दुख का अधिकार, दुख का अधिकार में दुख क्या है, हमें फील करने के लिए का अधिकार, वो अधिकार दुख का अधिकार। देखिए बच्चों हमारा पाठ, मनुष्यों की पेशा के, पेशा ड्रेस, पेशा के, पेशा मीन्स ड्रेस, उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट जाती है। मनुष्य मीन्स मनुष्य, हमारा पीपल, पेशा के, पेशा मीन्स ड्रेस, ड्रेस हमारा कपड़ा, ड्रेस विभिन्न श्रेणियों में, डिफरेंट कैटेगरी में, श्रेणी माने कैटेगरी, कैटेगरी श्रेणियों में बांट देती है, बांट देना डिवाइड देती है, डिवाइड कर देती है। प्रायः मीन्स यूजुअली, प्रायः यूजुअली पेशा ही समाज में मनुष्य का अधिकार, अधिकार मीन्स राइट, अधिकार मीन्स राइट, और उसका दर्जा, दर्जा मीन्स प्लेस, स्थान, स्थान निश्चित करती है। मैम दर्जा मीन्स व्हाट, दर्जा मीन्स हमारा क्या है, हमारा स्थान मीन्स हमारा, हम मलयालम में कहे तो वो टू लाइन्स वेरी इंपॉर्टेंट है, एक और बार हम रीडिंग, मनुष्यों की पेशा के उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देते, मनुष्यों की ड्रेस, हम एक व्यक्ति को देखे तो हम क्या है आइडेंटिफाई कर सकता है वो व्यक्ति किस कैटेगरी में है राइट, हाँ यस राइट, हम एक व्यक्ति को देखे तो इजीली कैन आइडेंटिफाई वो व्यक्ति किस कैटेगरी में है कपड़ा देखकर, ओके हमने एक सड़क में या हमारा एक क्या है सोसाइटी में एक प्रोग्राम किसी और है तो वो हम एक व्यक्ति को देख, तो देखते समय हम इजीली वी कैन अंडरस्टैंड वो व्यक्ति समाज के किस कैटेगरी में रहता, तो किस कैटेगरी में है वो निम्न है, ऊंची कैटेगरी है, एवरेज पीपल है, ओके इस प्रकार। तो वो पेशा के उन्हें विभिन्न कैटेगरी में डिवाइड करता है, यूजुअली पेशा ही समाज में मनुष्य का अधिकार, उसका दर्जा, दर्जा निश्चित करती है। पेशा ही, पेशा है हमारे सोसाइटी में एक व्यक्ति का क्लास, उनका स्थान निश्चित करती है। तो हमारे सोसाइटी में कपड़ा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के हमारा लेखक यशपाल जी कहता है हमारा सोसाइटी में पेशाक या ड्रेस के लिए, कपड़ा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूविंग टू थर्ड लाइन, वह हमारे लिए, हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती, वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे, बंद दरवाजा माने क्लोज डोर्स राइट ना, बंद दरवाजा, दरवाजा माने डोर्स राइट, तो बंद दरवाजा खोल देती है, खोल देना मीन्स ओपन, वो हमारे लिए अनेक बंद दरवाजा ओपन कर देती है। परंतु कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते, कि हम जरा नीचे झुककर, जरा हम Sometimes हम क्या करना चाहिए, हम नीचे झुकना चाहिए, हम नीचे या डाउन की ओर देखना चाहिए, देखकर समाज की, समाज माने सोसाइटी, सोसाइटी की निचली श्रेणियों, निचली श्रेणियों माने निम्न कैटेगरी मीन्स लोअर कैटेगरी, निचली श्रेणियों की अनुभूति, फीलिंग, अनुभूति माने फीलिंग्स,
समझना चाहते हैं, समझना अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड कर। उस समय दैट टाइम ये पेशाक बंधन और एडिक्शन बन जाती है। बिफोर दैट कैन आई आस्क, ये हम लेकर किसके इंपॉर्टेंस के बारे में कहता है? हमारा सोसाइटी में कपड़ा या पेशाक कमा, हमारे यहाँ हमारा सोसाइटी में पेशाक या हमारा क्या है, हमारा निम्न श्रेणी के वो लोगों के बारे में। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो बताइए, वो एक पिक्चर है ना हमारा टेक्स्ट बुक में, क्या है वो बच्चों, क्या है वो बच्चों? देखिए हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ से हमारा कहानी स्टार्ट करती हूँ। बिफोर दैट आई एम आस्किंग, क्या है वो? आपके पास टेक्स्ट बुक है तो देखिए वो क्या है, वहां कौन है? एक वुमन है ना? Yes, ma'am. वो क्या कर रही है? She's sitting ना? She's crying actually. Okay? वो एक क्या है, एक मार्केट है, मार्केट है। वहां एक स्त्री, एक अधेड़, एक मिडिल एज वुमन वहां बैठी है। एक्चुअली she's crying, रोती है। उनके पास बहुत सारे लोग हैं, राइट? या हमारे चित्र में देखे तो हम उनके वो क्या है, वो मार्केट है ना, तो बहुत सारे लोग है वहां। लेकिन वो लड़की के, वो सॉरी, वो थर्ड उम्र के वो स्त्री के फ्रेंड में, आगे में क्या है, एक डलिया, एक बास्केट में कुछ वस्तुएं हैं, राइट? आई थिंक इट्स बिकने के लिए, राइट, सेल करने के लिए ना। वो अधेड़ उम्र का एक औरत वहाँ, वो एक मार्केट में बैठी है, वो रोती है। लेकिन उनका ड्रेस कैसा है बच्चों? देखिए वो अधेड़ उम्र वो स्त्री वुमन का ड्रेस कपड़ा वो ठीक नहीं है, राइट? अच्छा कपड़ा नहीं है, राइट? नहीं है, कौन नहीं है, उनका कपड़ा अच्छा या ठीक नहीं है। ओके, तो क्या है, हमारे यहाँ ये अधेड़ उम्र के पास या अधेड़ उम्र स्टोरी क्या है? तो टिल हियर इनफ, ओके? अनुभूति समझना चाहते हैं, बाकी थ्री ऑफ फोर लाइन्स नोली अमाउंट टू चैप्टर। बाजार में, बाजार माने फुटपाथ, तो वहां ब्रैकेट में लिखिए अनुभूति को समझना चाहते हैं वहां, टिल देयर इनफ। देन बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। देखिए बाजार में, मार्केट में, फुटपाथ पर कुछ खरबूजे, क्या है खरबूजे? मस्कमेलो, क्या है खरबूजे? खरबूजे क्या है? मस्कमेलन, हमारा लाइक वाटरमेलन, मस्कमेलन। खरबूजे डलिया में, डलिया माने टोकरी, बास्केट, टोकरी या बास्केट, मैंने लिखे वहां बास्केट में, और कुछ जमीन पर, और कुछ जमीन, जमीन माने लैंड में। देखिए चित्र में देखिए वो बास्केट में है और कुछ जमीन लैंड में भी खुश है। और बिक्री के लिए, बिक्री माने सेल, मैंने लिखे बच्चों सेल, एस ए एल ई, सेल के लिए रखे जान पड़ते थे। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। तो एक अधेड़ उम्र का स्त्री है, वो क्या कर रही है? वो एक बाजार में, एक फुटपाथ पर वो बैठी है, उनके पास मखमलों है या खरबूजे है, वो बास्केट में डलिया या बास्केट में वो है। देन कुछ जमीन पर भी बिक्री के लिए या सेल के लिए रख कर, खरबूजों के समीप, समीप माने पास, राइट? पास, समीप, नियर, नियर, पास। एक अधेड़ उम्र की औरत, मिडिल एज वुमन, एक मिडिल एज वुमन, अधेड़ उम्र, मिडिल एज,
अथेड उम्र की औरत एक मिडिल एज्ड वुमन बेटी रो रही थी। एक मिडिल एज्ड वुमन वहां बैठकर वो रो रही क्राइंग। नेक्स्ट सेंटेंस खरबूजे बिक्री के लिए थे। किसके लिए वो हम बैठी है वो खरबूजे बिक्री के लिए सेल करने के लिए या बिक्री के लिए वो हम बैठी है। हम खरबूजे मींस मस्क मेलोन लाइक वाटर मेलोन एक वस्तु है एक थिंग है हमारे हम आप नहीं देखा ना रो रही थी खरबूजे बिक्री के लिए दी के लिए थे परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आंखें बढ़ता। वहां क्यों बैठी है वह वो खरबूजे बिक्री के लिए सेल करने के लिए लेकिन खरीदने के लिए कोई नहीं आती है कोई नहीं आगे बढ़ती है। एक अधेड़ उम्र की औरत वो भासार में वो बैठी है वो अधेड़ उम्र के वो वुमन के पास उनके समीप में क्या है समीप में क्या है क्या है दलिया में खरबूजे। हाँ खरबूजे है कुछ खरबूजे कहाँ है गौरी कुछ खरबूजे जमीन पर है और कुछ खरबूजे डलिया में वो किसके लिए वहां बैठी है रोज वो किसके लिए वो वहां बैठी है वो अधेड़ उम्र की स्त्री वो मार्केट में स्ट्रीट को स्ट्रीट वॉकिंग पाथ किसके लिए क्यों व्हाई व्हाई शी सिटिंग देयर फॉर नो वन इज बाइंग बिग सिल्क सेल करने के लिए बाई नहीं सेल करने के लिए खरबूजे सेल करने के लिए ओके खरबूजे सेल व्हाई शी सिटिंग देयर प्रज्योत व्हाई हमारा वो अधेड़ उम्र की औरत वहां बैठी है Why, Prajot? Why are you sitting? Why she sitting the wanted umr ki stri? Waghar buje? Respond, why you are not responding? Haan, bikri karne ke liye. Na, Sania? Respond. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Why she sitting the? बिक्री के लिए वो किसकी बिक्री के लिए खरबूजे खरबूजे बिक्री करने के लिए तो हमने देखा दुख का अधिकार फल वो दुख का अधिकार फल अच्छी तरह वेट करके आना चाहिए ओके तो क्या क्या हमने देखा यशपाल के बारे में देखा वो रीड करना चाहिए अब लास्ट क्वेश्चन ओके सो रीड करके आना चाहिए ओके देन वो फर्स्ट पैराग्राफ में मनुष्य का वो पेशा के हमें विभिन्न कैटेगरी में डिवाइड करते हैं वो हमारे ड्रेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ये देखना चाहिए देन वो फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट 4 or 5 6 लाइंस देखना चाहिए ओके थैंक यू सो मच आई एम गोइंग टू एंड द सेशन बच्चों प्रज्योत वेयर आर यू रीड करके आना चाहिए ओके बच्चों सी यू नेक्स्ट क्लास थैंक यू मैम